वेलकम टू स्टडी 24। कैसे हैं आप सब? तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर ए लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड। क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि थिएटर की जो ओपनिंग सेरेमनी थी उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा क्राउड असेंबल होती, बहुत ज्यादा आ गई थी क्राउड। तो यहाँ पर हमारा कहाँ पर एरर बताइए, कौन से पार्ट में हमारी एरर है और नो एरर है? तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है कि ऑन द टाइम क्या बताया है कि जो थिएटर की ओपनिंग सेरेमनी थी वो यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर ऑन नहीं आएगा। यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एट द टाइम। उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा क्राउड असेंबल हो गई थी। तो ऑन हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, जब कोई डेट होती है या डे होता है, जैसे हम लोग कह सकते हैं ऑन संडे, ऑन 8th January, ठीक है, ऐसे ऑन लगा सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम की बात जहां हो रही है वहां पर हम क्या बोलते हैं, एट द टाइम। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी। तो चलिए सेकंड देखते हैं। शी डिड हर जॉब एज बेटर एज शी कुड डू। वह अपनी जॉब को उसने जितना वो कर सकती थी उतना अच्छा उसने किया। तो यहाँ पर कहाँ पर एरर है हमारी, देखिए ये जो कंजंक्शन है एज और जो एज होता है इसके साथ हम लोग बीच में क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो यहां पर ये बेटर ना होके गुड हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, गुड। तो शी डिड हर जॉब एज गुड एज शी कुड डू, जितना वो अच्छा कर सकती थी वह उतना अच्छा जॉब में उसने किया। तो ठीक है, थर्ड हमारा देखते हैं। ऑफ द न्यूमरस डेस्टिनेशंस दैट आई विजिटेड I found Singapore to be the best site. जितनी मैंने numerous means क्या होता है, बहुत सारी, बहुत होता है ना, बहुत सारी जो मैंने destinations visit करी हैं उनमें क्या मैंने क्या पाया है कि सिंगापुर जो है वो बहुत ही अच्छी साइट है, बेस्ट साइट है। तो यहाँ पर ये जो बताइए कहाँ पर हमारी एरर है, तो ये जो साइट है ना, ये जो साइट, साइट मीन्स देखिए तीन तरीके के साइट होते हैं हमारे, एक ये साइट होता है, एक SIGHT साइट होता है, एक SIT साइट होता है। तो ये साइट हम लोग कहाँ यूज करते हैं, ये वाला जो इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, ये हम एक्सप्रेस करने के लिए किसी चीज को या समन करते हैं ना, समन जब अदालत में तलब किया जाता है तो भी साइट का यूज करते हैं, CIT। और ये साइट का मतलब क्या होता है, व्यू, नजारा या नजर, जब हमारी आई साइट होती है, आई साइट वीक हो गई है तो वो नजारा, नजर, व्यू के लिए हम लोग SIGHT साइट का यूज करते हैं। और SITE का मतलब क्या होता है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया होता है, कंस्ट्रक्शन एरिया स्पेशली, तो वहां पर हम लोग क्या SITE साइट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा साइट आएगा, SIGHT, जो नजारा है सिंगापुर का मुझे सबसे बढ़िया लगा, सिंगापुर की साइट मुझे सबसे अच्छी लगी। तो इसमें हमारे कौन से सी पार्ट में एरर हो जाएगी, ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है इसमें, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है बच्चों को। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन, द इंडियन फोर्स ड्रोव अवे द चाइनीज, जो इंडियन फोर्स थी उसने चाइनीज को निकाल दिया है, ड्रोव अवे कर दिया, खदेड़ दिया। तो द इंडियन फोर्स, तो यहाँ पर ये जो फोर्स है, फोर्स मीन्स क्या होता है, ये हम लोग बल की बात, एक चीज की बात थोड़ी हो रही, बल की स्ट्रेंथ की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ पर हम लोग इंडियन फोर्सेस की बात कर रहे हैं, हम लोग आर्मी की बात कर रहे हैं। तो इंडियन फोर्सेस एस लगेगा हमारा, यहाँ पे फोर्स की जगह पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इंडियन फोर्सेस जो हमारी आर्मी थी उसने क्या करा, ड्रो अवे द चाइनीज। तो एक फोर्स की बात हो तो बल लगेगा, उनका बल, इंडियन का बल वो थोड़ी होगा इसका सेंस, इंडियन फोर्सेस जो हमारी आर्मी थी, तो फोर्सेस यूज करते हैं, इसलिए FORCE और S हम लोग और यूज कर लेंगे।
तो ये चार हमारे एरर के क्वेश्चंस थे। चलिए देखते हैं आप कुछ प्रोवर्ब्स। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट, अ क्लोज शेप। अ क्लोज शेप मीन्स बताइए ए बी सी डी में से कौन सा होगा। ए लकी स्केप, ए वेल गार्डेड सीक्रेट, ए नैरो स्केप, अ क्लीन शेप। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी आपका दे रखा होता है ना, एक क्लोज शेप जो क्वेश्चन में दे रखा है, तो उसी से मिलता जुलता तो आंसर आपका कभी भी नहीं होगा। ये तो आप पहले से ही एलिमिनेट कर दीजिए, एलिमिनेशन मेथड कर दीजिए इसका, वो कभी भी नहीं होगा। क्लोज शेप, क्लीन शेप, क्लीन शेप उसकी हो गई, दाढ़ी हो गई, तो ये तो नहीं आंसर होगा। ठीक है, इसे तो कट ही कर दीजिए। तो ए लकी स्केप, लकी स्केप होगा, या वेल गार्डेड उसका सीक्रेट होता है वो होगा, या ए नैरो स्केप होगा। तो देखिए क्लोज शेप का मतलब क्या होता है, ए नैरो स्केप मतलब बिल्कुल बार बार बच गई, जैसे कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाता पास से बाइक निकल गई, बिल्कुल मैं बार बार बच गया, नैरो स्केप हो गया, बार बार बचना, बिल्कुल जरा सी जगह से बार बार बच गए। तो एक क्लोज शेप, ए नैरो स्केप, बार बार बचना। तो सेकंड देखिए, टू क्रॉस सोर्ड्स। टू क्रॉस सोर्ड्स मीन्स क्या होता है, टू किल, टू फाइट, टू रॉब, टू डिफेंड। बताइए, कमेंट करिए कौन सा है ए बी सी डी में से। टू क्रॉस सोर्ड्स, तो देखिए टू क्रॉस सोर्ड्स मीन्स क्या होता है, तलवारें ऐसे क्रॉस हो गई है, इसका मतलब क्या होता है कि टू फाइट मतलब कि लड़ाई हो गई है, तलवारें आमने सामने हो गई, जैसे कि देखते नहीं हम लोग सीरियल्स में, मूवीज में तलवारें लड़ रही हैं, टू क्रॉस सोर्ड्स हो रही हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि लड़ाई हो रही है, फाइट हो रही है। तो इसका मीन क्या हो जाएगा, टू क्रॉस सोर्ड्स का, टू फाइट।